तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नई आने वाली जॉब्स के बारे में, जिसके लिए मेल एंड फीमेल पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका का बड़ा सिंपल सा है, ईजी वे है। और काइंडली वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आप सारी डिटेल्स के बारे में जान सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। और लेकिन सबसे पहले गुजारिश है हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नई आने वाली डिटेल सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं व्यूवर्स वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आ जाना। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। एनबीपी एचआर ऑफिसर्स ऑफिसर्स ग्रेड 3 अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपने यहाँ पे इसकी डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है एक दफ़ा। इसमें ये OG3 की जॉब्स हैं जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई हैं। आप देख सकते हैं दी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज मिनिमम ग्रेजुएशन इन HR फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% मार्क और 2.5 CGPA होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री इन HR विल बी गिवन प्रेफरेंस। मैक्सिमम 27 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, आपकी 27 साल तक एज होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, और एक साल का एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेश स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप नीचे आएंगे और नीचे जैसे ही आप आएंगे आपको इसका ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें आप इसमें सारी डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं। और इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपने क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिससे आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और रीजन अप्लाइड फॉर, आपने यहाँ पे इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने फिल आउट करना है। CNIC लिखना है, नेम लिखना है अपना, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। नीचे आपने अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक, FSC इंटरमीडिएट की, और नीचे ग्रेजुएशन और मास्टर्स की। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है नीचे आपने इसकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स लिखनी है, और अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपने अपनी CV अटैच करनी है, जो रिसेंटली आपकी अपडेटेड CV हो। आपने यहाँ फ्रंट एंड बैक साइड CNIC की एक पिक्चर बना के वो यहाँ पे इसको यहाँ पे अपलोड करनी है। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने यहाँ से इसके ऊपर, जो भी अगर आपकी मास्टर्स है तो मास्टर्स की फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, और अगर एजुकेशन बैचलर है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद एक्सेप्ट एंड अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगी। व्यूअर, ये थी आज की वीडियो, आप होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई कंफ्यूजन है जिसके आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज का रिप्लाई किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।